नीमच जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम इस कदर व्याप्त है, इस बारे में जिले के अंतिम छोर पर बसे मनासा के ग्राम कुंडावासा निवासी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि नीमच जिला अस्पताल की नर्सें मरीजों तथा परिजनों के साथ दुर्व्यवहार करती है। मरीज को समय पर इलाज नहीं दिया जाता है, इलाज के नाम पर परिजनों को गुमराह किया जाता है। लक्ष्मी नारायण ने बताया कि ऑक्सीजन व इलाज के अभाव में उनकी माताजी की मृत्यु हो गई। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मरीज को नीमच के जिला अस्पताल में लाने की जरूरत नहीं है, मरेगा तो घर पर ही मर जाएगा। कम से कम अव्यवस्थाओं के चलते किसी की मौत तो नहीं होगी। टीम भारती न्यूज। किस तरह से आपके परिजन की किसकी मौत हुई है और किस तरह से हुई और क्या परेशानियां रही? मेरी मदर की हुई है। मैं नीमच से 50 किलोमीटर दूर कुंडवासा रहता हूँ। सब नीमच को सब हॉस्पिटल में लेके गया, प्राइवेट में किसी ने भी इसको एडमिट नहीं किया। सरकारी अस्पताल में लेके आया तो बोलेगा ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ से ले जाओ। अब इंसान करे तो क्या करे, कहाँ लेके जाए इस बॉडी को, इस इंसान को कहाँ भर्ती करे, इसका इलाज कहाँ करवाए, क्या कर रही गवर्नमेंट? कौन सा मुख्यमंत्री, कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सुनने को तैयार नहीं है? अस्पताल में कोई डॉक्टर सुनने को तैयार, नर्सों के पास जाओ तो कुत्ता सर का ललकारते हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसी को नर्सों के पास जाओ के बोतल लगा दो तो के अरे भैया किस किस की चिंता करें हम। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।